Guys, before you go on to this clip, please don't forget to press the subscribe button for more content like this. We post all our clips on this channel from the podcast. I know you're going to enjoy this quite a lot. Are you not observing that Priyanka has completely been sidelined in the Congress? Yeah, that you is true. Main, I, was, sorry, uh, I was listening to PK talk about this on Aapki Adalat. Hmm. And he said ki, um, pehle mer se baat bola Priyanka ji ko UP mein khada karo. and then suddenly mer ko disengage kar liya. So is this true? हंड्रेड परसेंट पर प्रियंका ने लड़ी प्रियंका ओवर हाई फिन प्रियंका जी ने यूपी के अंदर क्या चलाया था 2022 में कैंपेन में लड़की हूं लड़ सकती हूँ चार सौ तीन सीट्स में से चार सौ एक सीट्स पे जमानत जब्त हुई थी आउट ऑफ फोर हंड्रेड एंड थ्री सीट्स फोर हंड्रेड एंड वन इट वॉज डिपॉजिट्स मतलब भी नहीं बचा पाए थे दो सीट्स से कांग्रेस क्या थी? मतलब है मतलब आपके पास इतने भी वोट्स नहीं आए कि आप जो है एक कंटेस्ट में रहे डिपॉजिट जब तो ना ना बेसिक मिनिमम वोट्स चाहिए रहते हैं किसी भी कैंडिडेट को कि आ...

नोइंग कि यूपी में कुछ नहीं हो रहा है एंड आउट ऑफ 90 परसेंट प्लस सीट्स कांग्रेस लॉस्ट इट्स डिपॉजिट्स प्रियंका चैप्टर वॉज ओवर देयर सो प्रियंका की ब्रांड इमेज से सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी सिक्योरिटी मेरे हिसाब से राहुल गांधी के कैंप को थी उन्हें यूपी में प्रियंका को धकेल दिया और उसकी ब्रांड आधी कर दी पर उसके बाद आप देखो प्रियंका भी वापस से नहीं गई hmm. और अब प्रियंका के जितने भी करीबी हैं उनको पार्टी से निष्कासित कियाचारे प्रमोद कृष्णन ऑज अ प्रियंका लॉयलिस्ट And imagine that Priyanka Loyalist has been suspended for six years from the Congress. Uh, it could not have been possible if Rahul did not uh, have the final word. So yes, she has been sidelined, but she is an overhyped phenomena. I don't think she can electorally do anything. Congress can only survive if it moves beyond the Gandhis. And so if they fall below 40, there might be a split in the Congress. I think so. If Congress wants to save itself. राइट बट कांग्रेस के क्या है ना एक अंदर ही इंप्लेट फियर ऑफ द अननोन है दे हैव नेवर सीन अ नॉन गांधी थिंग एवर पावर हमेशा गांधीज में ही रही है बेशक प्राइम मिनिस्टर कोई बना है सो hmm. so उनको लगता है अगर गा, गांधी नहीं रहा तो हमारा क्या होगा करके hmm. पर गांधी 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 सरने में तुमको यार 140 सीट से अब 50 सीट पे लेके आ गया है hmm. और 50 से भी हम नीचे 40 के नीचे लेके आ जाएगा सो ऑल्सो अना पॉइंट इज हैपनिंग इन द कांग्रेस सोनिया कैम्प पीपल और सोनिया गांधी इफ यू सी इज ऑन हर पॉलिटिकल रिटायरमेंट So in post Sonia era, I don't know how will Congress be united. Abhi Congress is united because the mother is keeping the brother and the sister together. Imagine when the mother is out of active politics, what will happen to the brother and sister camp? They are clearly different camps altogether. Where have you seen Priyanka Gandhi barter? Have you seen? In the no, last, no. No. So it's simple as that. Mm. So there's so much inside the story of this election is not just about BJP winning. The story of this election is when Congress falls less than 40, will it split? हम लेमेन लोग हैं हम तो यही कहते हैं यार ठीक है तुमने अपना ट्राइड एंड टेस्टेड दो बार सिक्का चला के देख लिया दो बार फेल हो गया ठीक है एटलीस्ट लेवल इलेक्शन में मेरे को नहीं लग रहा कि वो ब्रांड रिवाइव हो रही है प्यरली फ्रॉम अ ब्रांड स्टैंड पॉइंट

नेता जनता के हाँ लोगों की आवाज उठाने वाले हाँ। इनकी साइकी यही है कि यार ये अब्राहम लिंकन ये अब्राहम लिंकन का मॉडर्न अवतार है और अगर 54 फोर टाइम रिलॉन्च करने के बाद भी फ्लॉप हो गए तो फिफ्टी टाइम तो ट्राई करो मेरे को लगता है बिकॉज हाँ, ही अ लॉन्ग एज लगता है बीस तीस साल बाद तो चली जाएंगे हाँ, बस यही ब्रो अगर ये सुन के आपको मजा आया किसी भी एंड तक अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो मजा आया ठीक है अपने आप से बात मत करो फालतू की एक काम करो सब्सक्राइब सब्सक्राइब ट्रस्ट मी ट्रस्ट मी